छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश के सियासी गलियारों में सरगर्मियां देखने को मिल रही है। देश के राष्ट्रीय नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुनावी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन चुनावी साल में सियासी गलियारों में बार बार शराबबंदी का मुद्दा गूंजने लगता है। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी की जान जाए। शराबबंदी का आदेश देने में समय नहीं लगेगा, लेकिन इसे सोच समझकर लागू करना होगा। मैं चाहता हूं प्रदेश में शराबबंदी नहीं नशाबंदी हो, जिसके लिए समाज में वातावरण बनाना होगा। इसके बारे में बहुत पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं, वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। अब देखिए, गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर गए, बिहार में मर गए, तो निश्चित रूप से जैसे लॉकडाउन के समय यहीं रायपुर में सैनिटाइजर पी के बिलासपुर में उस प्रकार से घटना हुई, तो ये घटना मतलब उस समय तो लॉकडाउन था, पूरे देश भर में था, तब इस प्रकार से घटनाएं घट गई। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमने कहा है मतलब उसको कर ही देना है और कर, वो तो क्या है, एक दिन की बात है कि आज से शराब दुकानें बंद, ये बोलने में कितना देर लगता है, ये निर्णय करने में कितना देर लगता है, लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होगा समाज में वो देखने, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। दूसरी चीज़ों की बात अलग है, कोई निर्माण कार्य करना है, अभी करना है, ऐसा करना होगा, लेकिन ये सामाजिक बुराई है। और सामाजिक बुराई को जब तक समाज सामने आके इसको हाथ में ना ले तब तक कि ये संभव नहीं होगा। तो ये समय सीमा बताना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ ये नशाबंदी होना चाहिए। ईडी के अधिकारी यहाँ परमानेंट रहने लग गया और अपने बच्चों के एडमिशन तक स्कूल में करा लिए, समझ गए ना। मतलब फरवरी मार्च तक जब तक लोकसभा ना हो जाए तब तक परीक्षा भी हो जाएगा, एक सत्र तो हो ही जाएगा ना, तो बच्चों के एडमिशन भी करा लिए। अब आईटी वाले भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपना यही थोड़ा ठिया हुआ देख ली। एमएसपी न केवल जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर होना चाहिए, तय होना चाहिए, बल्कि उसकी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने किया है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए।